भारत के झारखंड राज्य के रांची शहर में सिचुएटेड उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी सन 2012 के अंदर स्टार्ट हुई। यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स की अगर बात की जाए, यूनिवर्सिटी के पास UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AIU ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन, इसके साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI, इसके साथ ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI जैसे अप्रूवल्स, इसके साथ ही EICT इंजीनियरिंग का अप्रूवल भी यूनिवर्सिटी के पास में है। यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्सेज की अगर बात की जाए, यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के कोर्सेज अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल साइंस के कोर्सेज अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी आपको जर्नलिज्म के कोर्सेज प्रोवाइड करती है, इसके साथ ही यूनिवर्सिटी आपको लॉट ऑफ कोर्सेज प्रोवाइड करती है जैसा कि आप लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर फैसिलिटीज की अगर बात की जाए तो फैसिलिटी के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मिलेगा क्लासरूम एंड क्लासरूम के अंदर आपको बेंच भी मिल सकते हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हो। इसके साथ ही एक छोटे से स्पेस का आपको कैंटीन मिलता है जहाँ पे आप समोसा कचौरी पिज्जा बर्गर भी खा सकते हो। हो सकता है आपको पिज्जा बर्गर ना भी मिले, इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन हमें नहीं मिली है दोस्तों। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फैसिलिटीज की बात की जाए यूनिवर्सिटी के अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई फैसिलिटी नहीं है जिसके अंदर स्विमिंग जिम हॉस्टल कोई ऐसी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन हमारी तरफ से नहीं की गई है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टी की बात की जाए, एज पर रिपोर्ट्स एंड स्टूडेंट फीडबैक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर्स काफ़ी ज़्यादा यंग है जिसके कारण स्टूडेंट एंड प्रोफेसर की बॉन्डिंग बनना काफ़ी अच्छी रहती है। इसके साथ ही बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी है एंड जस्ट लाइक कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा बन जाता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इसका एक ग्रेट इम्पैक्ट भी पड़ता है, वो है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। अगर बहुत सारे प्रोफेसर को बहुत सारा नॉलेज होता है जो कि एक्सपीरियंस होते हैं जो कि बूढ़े प्रोफेसर होते हैं, लेकिन नए प्रोफेसर्स के कारण स्टूडेंट्स को नॉलेज के अंदर भी प्रॉब्लम आता है एंड फ्यूचर के अंदर ग्रोथ के अंदर भी प्रॉब्लम आता है। हालांकि इसको हो सकता है यूनिवर्सिटी जल्दी सुधारे, नए नए अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस वाले प्रोफेसर लेकर आए। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिस इज नॉट एन ऑन कैंपस यूनिवर्सिटी, दिस इज एन ऑफ कैंपस इन द झारखंड रांची के अंदर सिचुएटेड है। 2012 के अंदर यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ है, लेकिन रांची जैसे शहर के अंदर कॉलेजेस होना ही एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि झारखंड की अगर बात की जाए, झारखंड के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी ऐसी खदानें हैं जो कि लगातार निकाली जा रही है आज से, तो आई थिंक दस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द झारखंड की वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस होने चाहिए जहाँ पे जो बच्चे पढ़ाई करके झारखंड शहर के अंदर या फिर झारखंड राज्य के अंदर बहुत सारा इनोवेशन करें या फिर उनके राज्य के अंदर जितने भी कोयले हैं, हीरे जवाहरात, सोना चांदी जो भी है, इनोवेशन करके जल्द से जल्द सारा का सारा सोना निकाले और भारत सरकार को डोनेट करें, यही हम आशा करते हैं। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर आके बढ़े और भी बहुत सारे कोर्सेज के बारे में अगर अपन जाने तो लगातार वीडियो को देखते रहिए, हम आपको दिखा रहे हैं कुछ अपडेट्स एंड कुछ सोशल मीडिया अपडेट्स एंड बहुत सारी रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्शन के अंदर चल रही है। पिछले कुछ दिनों के अंदर हॉस्टल का काम भी लगातार जारी है जिसके अंदर यह दिखाया गया कि हॉस्टल बच्चों के लिए जल्दी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। हो सकता है CUET के अंदर रजिस्टर होने के बाद जल्दी इस यूनिवर्सिटी का हॉस्टल कंस्ट्रक्शन हो जाए, ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन यूनिवर्सिटी से हम अपील करना चाहेंगे, इस इंटरनेट की दुनिया के अंदर $3 trillion की डिजिटल इकोनॉमी जल्दी होने वाली है, इसलिए आप जो है यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को वाईफाई की फैसिलिटी जरूर से प्रोवाइड करें क्योंकि इस रील्स के ज़माने में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है टू क्रिएट एंड इंगेज विद द ऑडियंस रिगार्डिंग दिस, तो आई थिंक वाईफाई होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिपोर्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी वाईफाई स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है जो कि यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल कराना चाहिए। एंड आप अगर ये चाहते हो कि यूनिवर्सिटी वाला आपके लिए वाईफाई ओपन कराए तो प्लीज़ किसी यूनिवर्सिटी को ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो हमारी कुछ बातें सुन के यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों के फीडबैक के अनुसार बहुत सारे चेंजेस करें ताकि यूनिवर्सिटी की भी ग्रोथ हो और बहुत सारे बच्चों के सुनहरा भविष्य बने। यूनिवर्सिटी के अंदर प्लेसमेंट्स की अगर बात की जाए, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको 100% MBA प्लेसमेंट दिखाया गया है। हालांकि SOCHM की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे ऑल ओवर द इंडिया के अंदर ओनली 47% स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड इन द इंडिया फॉर द MBA ग्रेजुएट्स।
हालांकि इंडिया के ऑलमोस्ट सारे के सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी यही बोलते हैं कि हमारे कॉलेजों के अंदर 100% प्लेसमेंट होता है। सारे कॉलेजेस यही बोलते हैं कि हमारे कॉलेजों में 100% MBA प्लेसमेंट होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है फिर वो 7% ही बच्चे सेलेक्ट कैसे होते हैं। हालांकि वो 93% बच्चे कौन से कॉलेजों से रह जाते हैं, क्या वो IIM वाले बच्चे रह जाते हैं, क्योंकि IIM वाला 100% प्लेसमेंट की गारंटी नहीं देता है। हालांकि IIT बॉम्बे भी ओनली फॉर 87% की ही गारंटी देता है कि भैया हमारे कॉलेजों से तो इतना ही प्लेसमेंट होता है। तो फिर ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले कौन होते हैं जो कि बोलते हैं कि हमारे कॉलेजों में पूरा 100% प्लेसमेंट होता है? तो क्या हमारे जैसे बच्चों को IIT की डिग्री छोड़ के प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की ओर निकल जाना चाहिए ताकि हमारा जो है प्लेसमेंट 100% हो जाए और IITs को भी इनके साथ मर्ज कर देना चाहिए ताकि IIT की वैल्यू बढ़ जाए और IIT और IIM का भी प्लेसमेंट 100% हो जाए? क्या ऐसा कर देना चाहिए? हालांकि बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के इस ऑफिशियली डिसीजन की वजह से तो हमें यही लगता है कि हमें मर्ज कर देना चाहिए IIT और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को ताकि जो है 100% प्लेसमेंट IIT में भी इन कॉलेजों में भी हो जाए। हालांकि दोस्तों अगर बात की जाए प्लेसमेंट सेशन की तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2-3 LPA का एवरेज प्लेसमेंट समझ जाता हूँ, एवरेज प्लेसमेंट देखा गया। हालांकि रांची जैसे शहर के अंदर ऐसा प्लेसमेंट होना बहुत अच्छी बात है। पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए स्टूडेंट फीडबैक के अनुसार ऐसे कॉलेजों के अंदर ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम द झारखंड, पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं एक्सेप्ट बिहार, वो एक पार्ट ही मान सकते हो। हालांकि बिहार के स्टूडेंट्स ही ऑलमोस्ट झारखंड के स्टूडेंट बिहार के अंदर पढ़ाई करते हैं। हालांकि उड़ीसा वगैरह के अंदर भी कुछ स्टूडेंट आ सकते हैं लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है। एंड CUET के अंदर बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कॉलेजों के बारे में पता चले तो यूनिवर्सिटियों के अंदर आए। हालांकि CUET यूनिवर्सिटियों के अंदर इस कॉलेज को कंसिडर किया गया है तो हम भविष्य के अंदर यही आशा करते हैं कि ये कॉलेज बहुत ज़्यादा गर्व करें और बहुत सारे बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाए। इसी और आशा उम्मीद के साथ हम इनको यही सांत्वना देते हैं कि ये कॉलेजेस अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो करें, बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट कराएं और इंडिया को आगे बढ़ाने में मदद करें। हालांकि दोस्तों अगर बात की जाए प्लेसमेंट एंड इंजीनियरिंग एंड अदर कोर्सेज की तो ये जो प्लेसमेंट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाया गया है दिस इज ओनली फॉर MBA ग्रेजुएट्स एंड CSIT स्टूडेंट्स। हालांकि इसके अंदर फार्मेसी एंड अदर जो ब्रांचेज होती है मैकेनिकल केमिकल एंड अदर उसके लिए कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, वो किसी भी कॉलेज के अंदर भी नहीं दिया जाता है। जो भी मैक्सिमम प्लेसमेंट होता है चाहे वो CSE का हो चाहे वो MBA ग्रेजुएट्स का हो वही शो किया जाता है। तो आप एडमिशन लेते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लॉट ऑफ गाइस आफ्टर द 12th क्लास उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि व्हाट आई सेलेक्ट यू, आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या, कंप्यूटर साइंस की मुझे सीट नहीं मिल रही, जिनको सीट मिल रही है उनका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, 62% IT ग्रेजुएट्स आज भी अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं है उनके पास, तो मैं 12th के बाद कौन सा कोर्स करूँ, क्या मेरे को फार्मेसी में जाना चाहिए, क्या मेरे को BTech करना चाहिए, क्या मेरे को स्किल्ड कोर्सेज करने चाहिए, क्या मेरे को यूट्यूबर बनना चाहिए, आखिरकार मैं जो कोर्स कर रहा हूँ क्या उसकी कोई वैल्यू है भी कि नहीं, या फिर मेरे 4-10 लाख ऐसे बर्बाद होने वाले हैं, आखिरकार मेरे को पढ़ना क्या चाहिए। ऐसा आपका भी कोई सवाल है और आपको भी बहुत अच्छे कॉलेजों में एडमिशन लेना है, आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं JEE मेन जैसे एग्जाम में या फिर आपके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं फ्रॉम द IIT बॉम्बे IIT BHU IIT मद्रास एंड IIT दिल्ली के ग्रेजुएट्स आपको गाइड करेंगे रिगार्डिंग योर फ्यूचर। इस यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं देन आप CUET का एग्जाम दे सकते हैं, इसके साथ ही जो आप JEE मेन का भी एग्जाम दे सकते हैं, इसके साथ ही इसके अंदर रिस्क हो सकता है इसलिए इस वीडियो को सिर्फ एज ए रेफरेंस ही ले और आप अपने पेरेंट्स और यूनिवर्सिटी से कंसल्टेशन करने के बाद में अपने एडमिशन के लिए डिसीजन बना सकते हैं। धन्यवाद।